सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोडो हित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी C7 Pro और C9 Pro के बारे में। तो आप लोग मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में उसी फ़ोन के बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन दोनों ही फ़ोन में एंड्रॉयड नुगट का अपडेट आएगा या फिर एंड्रॉयड ओरियो का अपडेट आएगा। क्योंकि मैं कल आप लोगों से लाइव चैटिंग कर रहा था, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए C7 Pro और C9 Pro के बारे में। और फिर बहुत सारे क्वेश्चन मुझे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इन फ़ोन में नुगट अपडेट या फिर ओरियो अपडेट कब तक आएगा। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं इसका एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोगों ने बहुत सारे बोला कि हाँ एक डेडिकेट वीडियो बनाइए। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में उसी फ़ोन के बारे में बताने वाला हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि उस फ़ोन को नुगट अपडेट मिलेगा या फिर डायरेक्ट ऑडियो मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कन्फ्यूजन्स हैं। तो आज मैं इस वीडियो में उसी को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सैमसंग के C9 Pro और C7 Pro में जहाँ तक पता चली है मुझे और जहाँ तक मैंने देखा है जो ऑडियो लिस्ट आया है, तो अभी आप लोगों को पता है कि वो दोनों ही फ़ोन एंड्रॉयड मार्शमेलो में चलता है। तो मैंने सैम मोबाइल में विजिट किया था, तो वहाँ पर दिखाया गया था कि सैमसंग गैलेक्सी C9 Pro और C7 Pro, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डायरेक्ट उसको ओरियो अपडेट मिलेगा, मतलब फर्स्ट मेजर अपडेट। इसका मतलब कि नुगट अपडेट को सैमसंग स्किप कर रहा है। आप लोगों को पता ही है कि सैमसंग के C9 Pro और C7 Pro एंड्रॉयड मार्शमेलो में चल रहा है, तो उनको डायरेक्ट ऑडियो मिलेगा, नुगट स्किप किया जा रहा है। क्योंकि अगर बाई चांस वो लोग नुगट दे देते हैं तो शायद ऑडियो फ्यूचर में हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सैमसंग के सिर्फ फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं, उनको ही सिर्फ दो मेजर अपडेट देता है सैमसंग, और जो मिड रेंज है और बजट फोन हैं उनको सिर्फ एक ही मेजर अपडेट देता है। लेकिन जो सैमसंग का सी सीरीज है वो लगभग काफ़ी पॉपुलर है, और अगर प्राइस की बात करो तो लगभग 30 से 35 हज़ार के बजट में वो फ़ोन हमें मिलता है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव फ़ोन है। इसी के लिए सैमसंग क्या कर रहा है कि अगर आप सैमसंग का C9 Pro या फिर C7 Pro लिए हैं, तो आपको नुगट अपडेट स्किप कर दे रहा है, डायरेक्ट आपको ऑडियो देगा। तो एक अच्छी बात है, हमको डायरेक्ट ऑडियो देखने को मिलेगा। अगर बाई चांस हमें नुगट दे देता फिर बाद में पता चला कि हमें ऑडियो मिला ही नहीं, तो एक अच्छा नहीं है। तो इसलिए सैमसंग, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि सैमसंग C7 Pro और C9 Pro में डायरेक्ट ऑडियो अपडेट देगा, नुगट अपडेट स्किप कर दे रहा है। और मैं बता दूं कि कब तक मिलेगा, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे कि कब मिलेगा, डेट बोलो, ये बोलो। तो मैं बता दूं कि सैमसंग अभी ये अपडेट नहीं देगा, शायद आपको नेक्स्ट ईयर में देखने को मिले, क्योंकि सैमसंग अपने फ्लैगशिप जो डिवाइसेस हैं उसको पहले जो ऑडियो का अपडेट देगा, उसके बाद ही सैमसंग के कितने भी बजट या फिर बजट बोल लीजिए या फिर कोई और बोल मतलब बजट या फिर मिड रेंज फ़ोन है उसको ऑडियो का अपडेट देगा। तो सैमसंग पहले जो फ्लैगशिप डिवाइस है उसको देखो, सैमसंग पहले अपने फ्लैगशिप डिवाइसों को ही ऑडियो का अपडेट देगा, उसके बाद वो मिड रेंज में आएगा, उसके बाद ही बजट में। बजट में ज़्यादा फ़ोन है नहीं, J7 Max है, J7 Next है, J7 Pro है, इनको ऑडियो मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ तो ए सीरीज में आपको ऑडियो देखने को मिलेगा, जो कि ए सीरीज 2017 में है, और C7 Pro और C9 Pro को डायरेक्ट ऑडियो मिलेगा। सबसे पहले सैमसंग अपने फ्लैगशिप डिवाइस में देगा, उसके बाद ही मिड रेंज डिवाइसों में ये अपडेट देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपका उन्हें कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब।